अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू गाइस गुड। मैं हूं सईदा ज़ैनब बुखारी, आप लोगों की खिदमत में हाजिर इन अनदर हाउस रिव्यू। पहले तो मुझे बताइए, एजेंसी 21 एक्सक्लूसिव का चैनल आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब कर लिया है, वेरी गुड। अगर नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन अबाउट आर न्यू हाउस लिस्टिंग्स। और बहुत स्पेशल हाउस लिस्टिंग हैं इन दिस सीजन फॉर ऑल ऑफ यू। नंबर टू कॉन्टैक्ट आस 03400202121। ईजिली हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करने, कोई मसला नहीं है। 24/7 अवेलेबल फॉर योर असिस्टेंस। साथ मरले का एक बहुत ही जबरदस्त घर लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। किसने कहा है कि हम छोटी कैपेसिटी में एक बहुत अच्छा घर नहीं बना सकते। इस घर के जब आप अंदर मेरे साथ जाएंगे, यू विल गेट टू नो कि मैं क्या बात कर रही हूँ। एक बहुत ही स्पेशियस लुक एंड फील के साथ ये घर है और कहीं से भी आपको लगता नहीं है कि आपने एक स्मॉल कैपेसिटी में बनाया हुआ है। दिस इज अ बिगर लुकिंग हाउस। वेल, मैं मौजूद हूँ बैरियर टाउन फेज 8 में। इस वक्त 7 मरले का घर आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जिसमें है 5 अदर बेडरूम। पहले बात करते हैं विसिनिटी के बारे में जहाँ मैं मौजूद हूँ। दिस इज अ वेरी नाइस ब्लॉक। व्हाई? बिकॉज इट इज वेल पॉपुलेटेड। यहाँ पे सारे कमर्शियल एस्पेक्ट्स पास पास ही हैं। आपको दोनों साइड से कमर्शियल हब्स मिलते हैं। यू विल गेट पार्क्स वेरी नियर बाय। इट्स अ वेरी लश विसिनिटी विच इज ग्रेट। आपको स्ट्रीट से एंटर होते साथ ही स्लोपेज पे ये घर मिल जाएगा फॉरन से, विच इज ग्रेट। आपको घर की फ्रंट एलिवेशन के बारे में बताती चलूं, आपको फ्रंट पे एक बहुत क्यूट सा लॉन पीस मिल रहा है। साथ साथ आप देख सकते हैं कि बाहर से घर बहुत सॉलिड मेड है, आपको नजर आ रहा है, आपको फील आ रही है। द गेट आई रियली रियली लाइक, पार्शियल कवर्ड गेट विच इज गुड। आई लाइक कवर्ड गेट्स विच इज ग्रेट। प्राइवेसी आपकी इंटैक्ट रहती है। अंदर चलते हैं, अंदर से आपको घर दिखाते हैं, आ जाइए। जनाब, मैं गैराज एरिया के अंदर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपको बाहर बताया था, दिस इज अ वेरी प्रॉमिसिंग हाउस। गैराज स्पेस वाइड है, आप 2 से 3 गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ 3 गाड़ियाँ और 2 बड़ी गाड़ियाँ बहुत आराम से खड़ी कर सकते हैं। ये रहा साइड एले एक, और देखें लुक एंड फील कितनी प्यारी है। मेहनत की गई है हर एक एक चीज पे। आप देख सकते हैं एंट्रेंस पार्ट कितना खूबसूरत है, डबल डोर्स फॉर द मेन एंट्रेंस और एक दरवाजा है फॉर द ड्रॉइंग रूम। जल्दी से अंदर चलते हैं, आ जाए मेरे साथ। तो मैं आ चुकी हूँ इनटू द लाउंज एरिया विच इज वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन बिफोर आई गेट कैरिड अवे, आप लोगों को बता दूं फ्लोर प्लान क्या है ग्राउंड फ्लोर का। पहले आपको बता दूं ग्राउंड फ्लोर का फ्लोर प्लान, जिसमें मौजूद है एक लाउंज, ड्रॉइंग रूम, 2 बेडरूम्स, एक फुल फ्लेज किचन, साथ साथ एक पाउडर रूम भी। साथ साथ सीढ़ियां जा रही है ऊपर टुवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर। लाउंज की बात करते हैं, आपको खुद ही नजर आ रहा होगा ये वॉल सामने, देखें कितनी खूबसूरत है। इस पे एम्बॉस्ड ब्यूटिफिकेशन हुई भी है। दिस इज द मीडिया वॉल विच इज अल्टीमेटली रियली रियली ब्यूटीफुल। ऑलरेडी इन्होंने यहाँ पे बहुत खूबसूरत से डेकोरेटिव आइटम्स रखे हुए हैं। एक वॉल पे शीशा लगा के दिया हुआ है, शैंडलियर बहुत प्यारा है। सीलिंग पे डिटेलिंग हुई भी है विच इज रियली रियली ग्रेट। मैं बार बार अपनी नजर जो है हटाने की कोशिश करी हूँ, बट द मीडिया वॉल इज रियली प्रिटी। जल्दी से ड्रॉइंग रूम में चलते हैं, बाकी का घर ऊपर आपको दिखाते हैं। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रॉइंग रूम। वुडन मैट फ्लोरिंग है यहाँ पे लगी हुई पैची इफेक्ट के साथ। ये वॉल बहुत खूबसूरत है, एक पेंटिंग ऑलरेडी लगी हुई है। फ्रंट की विंडो व्यू बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा पेंट हुआ है ऑन द वॉल। इट्स नॉट वाइट, इट इज स्लाइटली थोड़ा सा कॉरल ग्रे की तरफ विच इज रियली ब्यूटीफुल। सीलिंग आप देखें बड़ी प्यारी है। दरवाजे पे वुड वर्क जो हुआ है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। प्लस ये एंट्रेंस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ये घर बहुत जल्दी बिकने वाला है, आई एम श्योर। हम जाते हैं किचन के अंदर, फिर बाकी के आपको बेडरूम्स दिखाते हैं। पीछे 2 बेडरूम्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर। जनाब, आई एम इन द किचन। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत स्पेस है। दरवाजा मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लगा है। ये रहा आपका स्टोव एरिया, वॉशिंग स्पेस ये रही। साथ साथ उन्होंने छोटी छोटी ब्यूटिफिकेशन की हुई है, डेकोरेटिव आइटम्स रखे हुए हैं। आपको माइक्रोवेव ओवन और वॉशिंग मशीन भी साथ मिल रही है। सीलिंग देख लें बड़ी खूबसूरत है। बहुत अच्छा स्पेस का किचन है, मुझे किचन बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। चलते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट बेडरूम। आई एम फाइनली इन द फर्स्ट बेडरूम विच इज द मास्टर बेड ऑफ द 7 मरला हाउस इन बैरियर टाउन फेज 8। ग्राउंड फ्लोर का पहला बेडरूम, क्या खूबसूरत वॉल है। वॉक इन वार्डरोब स्पेस है, शीशे का काम हुआ हुआ है। बाथरूम बेहद खूबसूरत है, आप देखें पोटा की फिटिंग्स लिखी हुई हैं और आपको बहुत ज्यादा प्यारी लगी, खास तौर पर द सिंक एरिया, इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। रूम अच्छा वाइड है, एरी है, नेचुरल लाइट बहुत ज्यादा आ रही है। सीलिंग पे भी लाइट वर्क बहुत अच्छा है। दूसरा बेडरूम दिखाते हैं आज। सो वेयर इन द सेकेंड बेडरूम, मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है। वार्डरोब स्पेसेस देखें कितनी जबरदस्त है। टाइल वर्क हुआ हुआ ऑन वन ऑफ द वॉल्स विच इज द मेन वॉल ऑफ द रूम, बहुत प्यारा। बाथरूम एक्सट्रीमली प्रिटी, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल विच इज ग्रेट। फिटिंग्स येट अगेन पोटा की है, इम्पोर्टेड फिटिंग्स है। कन्वीनियंस स्पेस है एंड द मार्बल ऑन द फ्लोर इज एक्सेप्शनल। चलिए फर्स्ट फ्लोर पे आ जाइए। फर्स्ट फ्लोर पे मैं आ गई हूँ, लाउंज के अंदर एंटर हो रही हूँ। लेकिन आप सीढ़ियों पे चढ़ते आएंगे, आपको नजर आएगी ब्यूटिफिकेशन। यहाँ चेक करें कितनी प्यारी लाइट इफेक्ट के साथ साथ इन्होंने एक प्लांट भी रखा हुआ है। बहुत ही प्यारी स्पेस है। फीलिंग अमेजिंग बीइंग इन दिस हाउस। फ्लोर प्लान फॉर द फर्स्ट फ्लोर, आपको मिलेगा एक लाउंज एरिया, सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं टुवर्ड्स द रूफटॉप। 7 क्वार्टर एरिया वहाँ पे मौजूद है, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल।
मीडिया वॉल वुडवर्क के साथ। ये देखिए कितनी प्यारी ब्यूटिफिकेशन ऑन द वॉल। हियर यू हैव सम डेकोरेटिव आइटम्स। किचन जल्दी से आपको दिखाते हैं। आ रहे हैं, दिस इज अ वेरी स्पेशियस किचन। एल शेप में बना हुआ एक किचन है, लेकिन बहुत वाइड है। स्टोव एरिया, वॉशिंग स्पेस, ब्यूटिफिकेशन हर जगह पे। मार्बल बड़ा अच्छा लगा हुआ है, स्लैब वर्क इज ऑन पॉइंट, कैबिनेट बड़ी अच्छी स्पेशियस है। साथ साथ आप खुद ही देख सकते हैं कि किचन पे कितनी मेहनत की गई है। आपको फर्स्ट बेडरूम की तरफ लेके जा रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर के जो कि पूरे घर का होगा तीसरा कमरा। आ जाए फर्स्ट बेडरूम ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। क्या खूबसूरत कमरा है ये। बाथरूम इसका इक्वली ब्यूटीफुल है और जगह बड़ी ही प्यारी है। वार्डरोब चेक करें कितनी ही खूबसूरत है। मेरे पीछे इस वॉल पे जो वॉल पेपर लगा हुआ है, साथ साथ उन्होंने गिफ्ट के तौर पर आपको एक पेंटिंग भी दी हुई है। विंडो इफेक्ट अच्छा है, पूरी स्पेस कंज्यूम की हुई है, लेकिन वेंटिलेटेड रखा है कमरे को, तो एक आपको विंडो आउटलेट भी दिया गया है। सीलिंग पे लाइट के साथ बड़ा प्यारा खेला गया हुआ है। दूसरा कमरा आपको दिखाते हैं। एंट्रिंग द सेकेंड बेडरूम ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। वॉट अ ब्यूटिफुल मास्टर बेड दिस इज। वॉक इन वार्डरोब स्पेस, विंडो बेहद खूबसूरत, व्यू बड़ा प्यारा है, बाथरूम एक्सेप्शनली गुड। साथ साथ आपको ड्रेसिंग एरिया भी सेट मिल रहा है विद अ मिरर। चेक आउट दिस वॉल कॉम्बिनेशन, गोल्ड एंड टर्कोइज़ के साथ बहुत ही खूबसूरत है। लुक्स रियली रियली प्रिटी। मार्बल की क्वालिटी बहुत अच्छी है जो कि फ्लोरिंग पे इस्तेमाल किया गया है, विच इज ग्रेट। फाइनल बेडरूम ऑफ द फर्स्ट फ्लोर आपको दिखाने जा रहे हैं। चेक आउट द फ्लोरिंग, फाइनल बेडरूम है ये घर का। पूरे घर में पांच कमरे हैं, पांचवा कमरा है थर्ड रूम ऑन द फर्स्ट फ्लोर। मेन रूम फ्रंट का व्यू, डबल विंडो इफेक्ट, टेरेस का एक्सेस, वॉक इन वार्डरोब, बेहद खूबसूरत हसीन तरीन बाथरूम है। व्यू चेक कर लें, फ्लोरिंग चेक कर लें, वॉल वर्क देख लें कितना प्यारा हुआ हुआ है। सीलिंग पे लाइट्स बहुत राइटली प्लेस्ड हैं। मैं आपको बता दूं, अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि लाइट्स जो हैं वो कन्वीनियंटली होती तो पूरी हैं, लेकिन प्लेस सही तरह नहीं होती। वेरी नाइस, लव इट। देते हैं आपको इस घर का एक राउंड अप। मैं कर रही हूँ टेरेस स्पेस एरिया में, जो कि बहुत ही प्यारा है और बहुत ही कन्वीनियंट साइज का है। खुला भी है, वॉशिंग स्पेस भी आपको यहाँ पे मिल रही है, साथ साथ वॉल पे ब्यूटिफिकेशन बड़ी ही प्यारी है। राउंड अप जल्दी से देती हूँ। पांच बेडरूम्स में अभी ये घर मौजूद है। बैरियर टाउन फेज 8 में 7 मरले का ये घर। रूफटॉप पे आपको मिल रहा है 7 क्वार्टर एरिया, डबल यूनिट हाउस में आसानी से कन्वर्ट हो सकता है। पोटा की फिटिंग्स, अच्छा मार्बल, इंपोर्टेड मटेरियल, लुक एंड फील बहुत अच्छी है। डिमांड ऑफ दिस हाउस इज 3.25 करोड़ रुपीज। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जगह है ये। किचन बड़े प्यारे हैं, बहुत ही खूबसूरत विसिनिटी, सिक्योर गेटेड कम्युनिटी में अच्छी विसिनिटी के साथ आपको मिल रहा है ये घर विद ऑल द फैसिलिटीज दैट यू नीड। कॉन्टैक्ट अस ऑन 03400202121 राइट नाउ फॉर दिस हाउस। मैं हूँ ज़ैनब बुखारी, साइनिंग ऑफ विद माय कैमरा टीम जिसमें होते हैं उमर और असलम। अल्लाह हाफ़िज़।